गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आयनिक कोशों में दोष पढ़ेंगे। कल अपने अनायनिक प्रकृति की जो दोष थे उनमें अपने दोषों के बारे में अध्ययन किया था, जिनमें व्यक्ति का दोष और अंतराकाशीय दोष था। आयनिक कोश है उनमें दोष देखते हैं, तो आयनिक ठोस है या आयनिक यौगिक है उनमें विद्युत उदासीनता है उसमें पाई जाती है, और इसी कारण से आयनिक यौगिकों में जालक प्रक्रिया उत्पन्न होती है। उन जालक ऊर्जाओं को अपने निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला है स्टाइकियोमेट्री दोष, स्टाइकियोमेट्री दोष। अब देखो, पहले तो अपनी स्टाइकियोमेट्री मतलब त्रिविम में जो पृष्ठ जालक है उसकी जो प्रकृति है वो देखते हैं। तो धनायन और ऋणायन है उनका संख्या है, धनायन और ऋणायन की संख्या है उनकी मूलानुपाती सूत्र। पिछले क्लास में अपन देखा था मूलानुपाती सूत्र के बारे में। तो मूलानुपाती सूत्र है वो यदि इसी के अनुसार धनायन और ऋणायन की संख्या के अनुसार हो तो ऐसे यौगिक उन्हें स्टाइकियोमेट्री यौगिक कहते हैं। लेकिन पृष्ठ जालक में स्टाइकियोमेट्री में चेंज हो जाए, धनायन और ऋणायन की संख्या में अंतर आ जाए तो ये दोष उत्पन्न होता है, तो इसे कहते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष। देखते हैं अपन पहला स्टाइकियोमेट्री दोष। वे यौगिक जिनमें धनायनों व ऋणायनों का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार हो या अनुरूप हो, तो इसे या तो इन्हें स्टाइकियोमेट्री के यौगिक है। कोई आयनिक यौगिक है जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात उसके मूलानुपाती सूत्र के क्या हो, अनुरूप हो या उसके अनुसार हो, तो इन्हें स्टाइकियोमेट्री यौगिक कहते हैं। अब इनकी स्टाइकियोमेट्री में कोई अंतर आ जाए, मतलब कोई स्टाइकियोमेट्री है उसमें कुछ ना कुछ जालक है वो दोष उत्पन्न हो जाए, तो इसे कहते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष। और स्टाइकियोमेट्री दोष है वो दो प्रकार का होता है, स्टाइकियोमेट्री तथा यहां में स्टाइकियोमेट्री की परिभाषा और लिख दूं तथा मैंने बताया कि जिन त्रुटियों का कारण स्टाइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं हो, तथा जिन त्रुटियों के कारण या जिन दोषों के कारण त्रुटियों के कारण इनकी स्टाइकियोमेट्री में परिवर्तन नहीं होता है तो इसे स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। कल अपने ये देखा था कि स्टाइकियोमेट्री विक्षुब्ध नहीं हो तो इसे क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्री दोष। विक्षुब्ध नहीं हो इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो तो इसे कहते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष है उसके मुख्य दो प्रकार है आयनिक यौगिकों में, स्टाइकियोमेट्री दो के प्रकार मुख्य कितने प्रकार है, दो प्रकार। पहला है सोडकी दोष और दूसरा है फेंकल दोष। वैज्ञानिकों ने जिन वैज्ञानिकों ने खोज की थी उन्हीं के नाम से इनको जानते हैं।
वैज्ञानिक शॉर्टनेस के बारे में बताया था और वैज्ञानिक सिंगलनेस के बारे में बताया था। सोटी नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया था कि वे आयनिक यौगिक के जिन्हें में ये जो दो सूत्र होता है उसके बारे में बताया कि क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन है वो अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक से कहां चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो उस स्थिति में जो दो सूत्र होता है उसे कहते हैं सोटी दोष है, और वही अंकाकाश स्थलों में चले जाए तब कहते हैं अपने फिंकल दोष। तो पहला है सोटी दोष। वैज्ञानिक शोधकी है, उन्होंने बताया क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, जिससे जालक में रिक्तिका बन जाती है। इस रिक्तिका को अपन छिद्र कहते हैं और इसे शोधकी दोष के नाम से जानते हैं। यह आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, अपने पहले पढ़ा है कि कौन से यौगिकों में पाया जाता है, आयनिक यौगिकों में, और आयनिक यौगिकों में भी उनमें पाया जाता है जिनका आकार है वो लगभग क्या हो, समान। आयनों का आकार लगभग क्या हो, समान। देखते हैं सोटी दोष वैज्ञानिक सोटी ने बताया कि क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं, जिससे रिक्तिका बनती है। वैज्ञानिक शोधकी ने यह बताया कि क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से कहां चले जाते हैं, बाहर। अब क्रिस्टल जालक से बाहर जाते हैं तो वहां क्या बनती है, रिक्तिका, और रिक्तिका को क्या कहते हैं, छिद्र। और इसके कारण पुष्पा नोज को क्या कहते हैं, अपने शोधकी दोष कहते हैं। अभी मैंने बताया कि ये उन प्रकार के आयन की यौगिकों में पाया जाता है जिनका आकार है वो लगभग क्या हो, समान। ये दोष लगभग समान। सोटी दोष जब किसके जालक में उत्पन्न होता है तो उसके घनत्व में क्या आती है, कमी आती। इसमें किसके जालक के
घनत्व में कमी आना, एग्जाम्पल देखें NaCl है, KCl है, KBr है आदि। एक बार का ध्यान रखना, सोटी दोष है ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, सोटी दोष ताप बढ़ाने पर या ताप में वृद्धि करने पर सोटी दोष में वृद्धि होती है। अब देखते हैं इसका चित्रानुसार, ये कोई क्रिस्टल जालक है। अभी अब हमने ये देखा है कि इनमें आयन है, तो आयन का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है, और शून्य संख्या क्या होती है, उच्च होती है। ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये स्थिति। अब जब इस क्रिस्टल जालों को अपन गर्म करते हैं, ताप में बढ़ते करते हैं, तो यहां से जैसे यहां ये विनायन गायब हुआ, तो इतनी संख्या में यहां से धनायन गायब हो जाएगा। ये स्थिति मतलब क्रिस्टल जालों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जितने धनायन आ सकते हैं उतने ही ऋणायन यहां से क्या होंगे, घटेंगे, तब इस प्रकार के उत्पन्न दोष को कौन सा दोष कहेंगे अपने, सोड़ के दोष। ये देखो रिक्तिका का, ये रिक्तिका है, ये रिक्तिका है, यहाँ ये रिक्तिका बनी है, ये रिक्तिका बनी है। रिक्तिकाओं के अपने क्या नाम दिया, छिद्र, और इस कारण से उत्पन्न दोष है, उस दोष को क्या कहा अपने, सोड़ के दोष। सोड़ तो ये रिक्तिका है, ये है, ये रिक्तिका है, रिक्तिका जिसके बारे में पहले मैंने पढ़ा, रिक्तिका दोष और अंतराकाश दोष के बारे में, तो ये रिक्तिका दोष का एक प्रकार। अगला जो दोष है फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल या फ्रेंकेल, फ्रेंकल दोष, फ्रेंकेल दोष। अब देखो आप वैज्ञानिकों के नाम से इस दोष का नाम रखा गया, तो वैज्ञानिक फ्रेंकल ने बताया कि जो छोटे आयन होते हैं, अब जो आयनिक यौगिक होते हैं, तो उन आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन
जब धनायन बनता है तो धनायन का आकार है वो जनक परमाणु से क्या होता है छोटा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो धातु के आवेश बढ़ने से उसके आकार में क्या होती है कमी। जबकि ऋणायन में उसका आकार क्या होता है बड़ा होता है, जनक परमाणु से बड़ा होता है, क्योंकि ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे नाभिक के आवेश कम होने पर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन ने नया प्रवेश करने का उसका नाभिक के आवेश कम होगा, नाभिक के आवेश कम होगा तो उसमें प्रसार होगा। तो ऋणायन का आकार जनक परमाणु से बड़ा होता है, धनायन का आकार है वो जनक परमाणु से क्या होता है छोटा होता है। तो फेंकल ने क्या बताया कि छोटे आयन है वो अपने वास्तविक स्थान से मतलब पृष्ठ जालक में उनका जो वास्तविक स्थान होगा उस वास्तविक स्थान से विस्थापित हो जाते हैं और विस्थापित होकर अंतराकाश स्थलों में चले जाते हैं। इसका मतलब यहाँ विस्थापन दोष है। विस्थापन दोष का मतलब ये हुआ कि जो वास्तविक स्थान है वहां तो वृत्ति का दोष होगा और जहां तनाए अंतराकाश स्थलों में गया तो वहां कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा अंतराकाश दोष उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। ये जो फ्रैंकल दोष जिन क्रिस्टल जालकों में पाया जाता है उनके घनत्व अपरिवर्तित रहते हैं और ये उनमें पाया जाता है जिनके आयनों के आकार में अंतर क्या हो अधिक होता है। अपने सोटी दोष के बारे में बताया था कि जो आयन है उनका आकार लगभग क्या होता है समान, लेकिन फ्रैंकल दोष में जो क्रिस्टल जालक है उसमें ऊपर से जो आयन है उन आयनों के आकार में क्या होगा अंतर होता है। तो देखते हैं परिभाषा। वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया कि छोटे आकार छोटे आयन आकार छोटे आयन अब छोटे आयन के क्रिस्टल जालक में क्या होते हैं धनायन। छोटे आकार अपने वास्तविक स्थान अपने वास्तविक स्थान वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया कि छोटे आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशी स्थलों में चले जाते हैं। रिक्ति का दोष वह नए स्थान पर है जहां धनायन जाते हैं वहां नए स्थान पर है अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है, इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। विस्थापन दोष भी कहते हैं। इस दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ये दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनके आकार में
जैसे जेड है, एस है, एजीसीएल है, एजीबीआर है आदि। देखो थोड़ा सा अंतर इसमें और इसमें, वहां हमने ये देखा था कि आकार है वो लगभग क्या होता है समान है, यहाँ आकार में ज्यादा का अंतर होता है। वहां पर ये देखा था कि आयन है वो किस तो ज्यादा तो छोटे बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर ये देखा है कि आयन है वो किस तो ज्यादा के अंदर रहते हैं लेकिन वास्तविक स्थान को छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, अंतराकाशीय स्थलों में आ जाते हैं। और अंतराकाशीय स्थलों में जब आ जाते हैं तो वास्तविक स्थान पर मृत्यु का दोष और नए स्थान पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है, अंतराकाशीय। जैसे अपने जिंक ZNS है, HCl है, HGBr है, ये स्थिति होगी। जब किसी को चालक के तापमान की वृद्धि की जाती है तो धनायन मतलब छोटे आकार की यानी कि आपने छोटे आयन मतलब धनायन है वो अपने मूल स्थान से विस्थापित हो जाते हैं और मूल स्थान से विस्थापित होकर किसी को चालक के अन्य किसी स्थान पर मतलब अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं। तो देखो मूल स्थान है वहां तो क्या उत्पन्न होगी वृद्धि का और जहां धनायन है वहां क्या उत्पन्न हो गया अंतराकाशीय दोष। इसलिए इसे कौन सा दोष कहते हैं अपने विस्थापन दोष कहते हैं। थैंक यू। ये मूल स्थान है यहां वृद्धि का बन वृद्धि का दोष और ये जहां गया है वहां अंतराकाश का। तो इस प्रकार अपने एंगल और शॉट के दोष देखा है। परीक्षा प्रश्न में या तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है शॉट की दोष क्या है या एंगल दोष क्या है या इनमें पूछा जाता है अंतर। तो अंतर की बात करें तो वहां आपने देखा था कि आयनों का आकार बराबर होता है या आयनों के आकार में क्या होता है अंतर होता है। शॉट की दोष में आपने देखा था घनत्व है उसमें कमी आती है जबकि एंगल दोष है उसमें घनत्व है अपरिवर्तित होता है। अपने वहां ये देखा था कि जो आयन है वो पृष्ठ जालक से कहां निकल जाते बाहर निकल जाते जबकि इसमें जो आयन होते हैं वो पृष्ठ जालक के अंदर किसी अंतराकाशीय स्थल में चले जाते। इस प्रकार अपन इन दोनों दोष हैं उनमें अंतर भी कर सकते।